आप सभी का स्वागत है सीमा स्मार्ट किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी भरवा करेले। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। पांच से छह करेले मीडियम साइज के, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी कटोरी मूंगफली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, हल्दी आधा चम्मच और आम के अचार का मसाला। करेले को थोड़ा थोड़ा ऊपर से छील लीजिए और इन छिलकों को हमें फेंकना नहीं है, इसलिए हमने करेले पहले ही अच्छे से वॉश कर लिए थे क्योंकि ये छिलके हमें यूज करने हैं। बीच में से कट कीजिए और इसके बीजे भी निकाल लीजिए, इसे भी हमें नहीं फेंकना है। हम ये भरवा करेले बना रहे हैं, इसके अंदर भी हम इसे भर सकते हैं। अगर हम इसका जो छिलका है अंदर भरते हैं तो इसकी कड़वाहट पूरी तरह से खत्म हो जाती है मसालों के साथ में। लीजिए, इस तरह से सभी करेले तैयार कर लीजिए। करेले के छिलके और बीज में सभी मसाले एक साथ मिला दीजिए। नमक आप अंदाज से डालिए, अचार के मसाले में कितना नमक है उस हिसाब से। मसाले को तैयार कर लिया है, अब करेले में इसे भर देंगे हम। सभी करेलों को भर के तैयार कर लीजिए अंदर से और फिर इस पे थोड़ा सा धागा लपेट दीजिए जिससे कि इसका मसाला बाहर निकले ना। करेला जब हम पकाते हैं और चलाएंगे, अगर हम इसे नहीं बांधते हैं तो इसका मसाला पूरी तरह से बाहर आ जाता है। आप इसमें प्याज का मसाला भी भर सकते हैं, पर ये हमारे अचार के साथ में बनाए हुए करेले की सब्जी है, इसे हम अचारी करेले कहते हैं। इसका टेस्ट एकदम बहुत ही अच्छा आता है। खट्टा होने के कारण इसकी कड़वाहट पूरी चली जाती है क्योंकि हमने इसमें आम के अचार का मसाला डाला है। इसे आप किसी छोटे बच्चे को भी खिलाएंगे तो वो भी खुशी खुशी खा लेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा ये करेले की सब्जी है। थोड़ी देर ढक के पकाइए, उसके बाद में इसे हमें खुला ही पकाना है। बीच में एक आधे बार आप ढक सकते हैं अगर आप करेले ठीक तरह से पके नहीं है। करेले पक के तैयार हो गए हैं, अब इसमें जो हमने धागा लपेटा था धीरे धीरे उसे निकाल दीजिए। ध्यान रखिए कि उसका मसाला बाहर निकले ना। और इसका जो मसाला है, अगर आपको लग रहा है कि ये जल रहा है तो उसे आप अलग से निकाल सकते हैं पहले भी, फिर सर्व कीजिए। लीजिए, हमारे अचारी करेले तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।